गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्रोफेसर नेहा सिन्हा। और कल परसों हमने जो बात की थी फ्राइडे को, वो हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स और बायोकेमिकल टेस्ट्स के बारे में बात की थी, है ना। आज हम सी और डी, यानी कि क्लिनिकल असेसमेंट और डायट्री सर्वेज को कवर करेंगे। तो क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका जबान दिखता है, या फिर आंखें देखता है, या नेल्स देखता है। तो उस तरह के असेसमेंट को हम कहते हैं क्लिनिकल असेसमेंट। इट इज एन असेंशियल फीचर ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल सर्वेज। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड्स ऑफ असर्टनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल्स। और फिर फिजिकल साइंस देखता है वो, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों को मिला के, जिससे पता चलता है कि माल न्यूट्रिशन या कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है वाइटमिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। जब क्लिनिकल असेसमेंट, जब आपको बुखार चढ़ता है तो सबसे पहले आप माथा छू के देखते हैं ना, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्लिनिकल असेसमेंट। सो गुड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री भी उसके साथ जाना जरूरी है, कि बच्चा अगर आया है जिसको आपको देख के आपने आपको लग रहा है कि उसको जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको पूछना पड़ेगा क्या खाते पीते हो, सही से खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अ जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन विद स्पेसिफिक अटेंशन टू ऑर्गन्स लाइक हेयर, एंगल्स ऑफ द माउथ, मैंने बताया था ना एंगुलर स्टोमेटाइटिस का प्रॉब्लम, गम्स, नेल्स, स्किन, आईज, टंग, मसल्स, बोन्स एंड थायराइड ग्लैंड्स को देखते हैं। सबको अपनी प्रेजेंस प्लीज मार्क कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है उनको सबको गुड आफ्टरनून, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज मार्क योर प्रेजेंस, हेलो हाय कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ रेलिवेंट साइंस हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, कि हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। एडवांटेज क्या होता है? इट इज इजी टू परफॉर्म, खाली देख के पता चल जाता है कि किस चीज की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है बालों में, वो सब आगे बताएंगे। इट इज इनएक्सपेंसिव, कोई पैसा रुपया नहीं खर्चा होता है ज्यादा, एंड इट्स नॉन इन्वेजिंग, कहीं कोई चोट नहीं लगती है। लेकिन लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस? इट डज नॉट डिटेक्ट अर्ली केसेस, सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। क्लिनिकल साइंस बेसिकली होते क्या है? अब थोड़े से क्लिनिकल साइंस को हम कवर करते हैं। हेयर, जब अगर बाल जो है बहुत थिन और स्पार्स हो जाता है, पतला हो जाता है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी, स्पार्स, ब्राउनिश होने लगता है, स्पेशली बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी और बायोटिन की डेफिशिएंसी, बाल झड़ते हैं। मैंने बताया था बायोटिन का एक फैक्टर होता है हेयर फॉल, बहुत ज्यादा होता है बायोटिन की अगर डेफिशिएंसी होती है। तो स्पार्स एंड थिन हेयर मीन्स बायोटिन डेफिशिएंसी। इफ इट्स ईजी टू पुल आउट, आराम से झड़ रहे हैं, निकल रहे हैं पूरा पूरा रूट से, तो इट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी फॉर श्योर। और अगर कॉइल्ड हेयर है तो विटामिन सी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हम माउथ का देखें तो क्या क्या होता है, बता चुकी हूँ, ये सब बता चुकी हूँ। ग्लॉसाइटिस, क्या था ग्लॉसाइटिस? सोलन टंग, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी, नायसिन की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, कभी कभी प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी होती है। ब्लीडिंग एंड स्पॉन्जी गम्स, जो आपके गम्स हैं वो अगर ब्लीड कर रहे हैं तो विटामिन सी ए के, फॉलिक एसिड और नियासिन डेफिशिएंसी हो सकती है, मल्टीविटामिन दिया जाता है इसमें। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, साइड के एंगल्स में सूजन हो रही है, एंगल्स ऑफ द माउथ। चिलोसिस एंड फिशर टंग, टंग्स में फिशर्स आ रहे हैं, चोटें लग रही हैं, घाव आ रहे हैं, तो विटामिन B2, विटामिन B6 एंड नायसिन की डेफिशिएंसी होती है। ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? टंग जो है वो सफेद हो जाती है, जबान देखता है ना डॉक्टर, टंग, व्हेन द टंग बिकम्स वेरी वाइट इन कलर, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन B12, सर्टन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, फॉलिक एसिड एंड नायसिन डेफिशिएंसी। एंड एक और चीज, सोर माउथ एंड टंग, सोर माउथ एंड टंग में क्या हुआ? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, नायसिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड एंड आयरन, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि बताता है। हाँ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आईज को भी देखते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जिसके बारे में मैंने बताया है, रातौंधी, रात में नहीं दिखता है, जीरोफ्थाल्मिया, आंखों को देख के पता चलता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो नहीं है, ब्राइट स्पॉट दिखते हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। अगर फोटोफोबिया, लाइट से आपको दिक्कत हो रही है, आंखों में चुभती है, ग्लेयर आता है, तो इट कैन बी अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 एंड विटामिन ए। सिमिलरली ब्लरिंग एंड कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेशन अगर आ रही है, सो दैट मींस यू आर डेफिशिएंट ऑन विटामिन B2 एंड विटामिन ए। ठीक है, क्लिनिकल साइंस ऑफ
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, नेल्स पे अगर हम बात करें तो कई बार नाखून एकदम स्पून का शेप ले लेते हैं, स्पूनिंग ऑफ द नेल्स। सो स्पून शेप नेल्स कब होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी में स्पून्स बन जाते हैं, नाखून एकदम गड्ढे हो जाते हैं। एंड अगर आपके ट्रांसवर्स लाइंस दिख रही हैं, अगर नाखूनों में ऐसी ऐसी लकीरें दिख रही हैं, इफ यू गेट ट्रांसवर्स लाइंस ऑन योर नेल्स, देन इट इज अ श्योर शॉट केस ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। नाउ वन मोर थिंग दैट वी लुक फॉर इज द स्किन। द डॉक्टर इवन सीज द स्किन, इफ द स्किन इज अ लिटिल पेल, अगर अजीब सी मुरझाई सी स्किन है, इट्स अ लिटिल पेल, नॉर्मल से हल्का आइस का या उसका कलर जो है पीलापन लिया हुआ है, तो इट कैन बी अ फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, अजीब सा जो है स्किन में ना लाइंस लाइंस हैं, तो दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन सी। फ्लेकिंग डर्माटाइटिस, फ्लेक्स निकल रहे हो, स्किन के टुकड़े टुकड़े बाहर निकल रहे हैं सूख सूख के, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। विटामिन B2 डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है, जिंक और नायसिन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। पिगमेंटेशन डिस्क्वामेशन, मतलब अजीब सा स्किन पे पिगमेंट्स पाए जाने लगते हैं, तो दैट इज नायसिन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और ब्रूजिंग और पर्प्यूरा, ब्रूजिंग मतलब जल्दी जल्दी चोट लगना, और पर्प्यूरा क्या होता है, घाव नील पड़ जाता है, देयर इज ब्लू कलर्ड पैचेस स्पेशली ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी बॉडी विच डज नॉट हील वेरी क्विकली, इज कॉल्ड पर्प्यूरा। सो इट्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्टन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द स्किन ऑफ द बॉडी। सो दैट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन सी एंड फोलिक एसिड। एक सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिएगा। तो ये सारी डेफिशिएंसी सबके बारे में एक एक करके मैंने बताया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सबका मैंने बताया, और उसके साथ साथ किससे क्या डेफिशिएंसी होती है वो भी बताया है। तो जब हम क्लिनिकल साइंस देखते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की, तो उससे हमको ये भी पता चलता है कि किस तरह से क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। अच्छा, थायराइड के बारे में भी मैंने बताया था कि थायराइड ग्लांड से क्या होता है। थायराइड ग्लांड्स में क्या होता है, सबसे पहले जब आप गले को देखते हैं, स्पेशली माउंटेनियस एरियाज में आपको ज्यादा दिखाई देता है, कोई ऐसी जगह जो कि समुद्र से दूर है वहां पर गोइटर ज्यादा होता है, क्योंकि नमक की कमी, नमक में आयोडीन होता है ना, और आजकल तो आयोडाइज्ड सॉल्ट भी देते हैं, तो ये जो घेंगा होता है गोइटर, यू सी अ स्वोलन पोर्शन ऑफ द नेक, दैट टेल्स दैट दैट इज द क्लिनिकल सिम्टम दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम द आयोडीन डेफिशिएंसी। देन व्हेन यू सी द जॉइंट्स एंड द बोन्स, द यू नो यू गेट टू सी दैट अगर बोन्स ठीक है सो देर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एंड अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो बोन्स में डिग्रेडेशन शो करता है, पतली दिखाई देती है। सो इट हेल्प्स डिटेक्ट साइंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, दैट इज रिकेट्स, विटामिन सी डेफिशिएंसी विच इज स्कर्वी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द डायट्री असेसमेंट, ए बी सी डी, डी फॉर डायट्री असेसमेंट। तो अब क्या होता है, कैसे हम किसी भी ह्यूमन का न्यूट्रिशनल इनटेक असेस करते हैं, पांच डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आए हैं। पहला है 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल, 24 घंटे में बंदे ने क्या खाया है वो आप पूछते हो, एंड दैट बिकम्स द 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल। दूसरा होता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर, कितनी बार कोई फ्रूट खा रहे हो। डायट्री हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ, दैट बिकम्स द थर्ड पॉइंट। फूड डायरी, when you maintain a diary about your whatever you are eating, so that is the food diary technique, and observed food consumption, कि आप देख रहे हो कि क्या खा रहे, that is the observed food consumption. So first we'll come to 24 hours dietary recall. A trained interviewer, maybe a nutritionist or a dietitian, asks the subject to recall all the food and drink which has been taken in the previous 24 years. It is a quick and easy method, but कभी कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है लोगों को, इस वजह से जो है वो सही से बताते नहीं है या नहीं बता पाते कि उन्होंने क्या खाया। इट डिपेंड्स अपॉन शॉर्ट टर्म मेमोरी, बट इट मे ट्रूली नॉट रिप्रेजेंट अ पर्सन यूजुअल इनटेक। किसी दिन आप समोसा खाते हो, किसी दिन नहीं खाते हो ना, तो जिस दिन आपने नहीं खाया उस दिन आपने नहीं बताया, लेकिन बाकी के दिन आपने खाया तो वो ऐड ही नहीं हो पाया, है ना।
नेक्स्ट इज द फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर. इन दिस मेथड द सब्जेक्ट इज गिवन अ लिस्ट ऑफ अराउंड 100 फूड आइटम्स. सारे फूड आइटम्स होता है और उसमें बताता है कि आप डेली कितना खाते हो, आपको टिक करना है. हाउ मच डू यू टेक इन अ वीक एंड हाउ मच यू टेक पर मंथ. लाइक इफ यू टेक 2 eggs इन अ वीक देन यू टेक 2 eggs इन अ वीक और मे बी 2 eggs इन अ मंथ देन 2 eggs इन अ मंथ. इट इज इनएक्सपेंसिव एंड इट इज ईजी टू यूज. ओके सो वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, है ना. तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया में क्या क्या है. सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आती है और एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आती है. तो हम जब बात करेंगे सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, उसका क्या प्रोग्राम है. न्यूट्रिशनल प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है. सो इट रन्स अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम इट रन्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इट इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स. इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन ओडिशा इन 1963 एंड लेटर ऑन इट वॉज एक्सटेंडेड टू तमिलनाडु एंड यूपी. वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स. इट helps in promoting production of protective foods such as vegetables and fruits, promotion of protective foods and ensure their consumption by pregnant and lactating women and children. In 1973 it extended to all the states in India. Kya kya services thi iski? Nutritional education, education must of all the foods ki lena chahiye and nutrition worth 25 paisa for children. ये उस टाइम की बात है. एंड 50 पैसा फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन फॉर 52 डेज इन अ ईयर. एंड ये मेंटेन किससे हुई है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट वी कम टू द बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम. जो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर चलता है. सो लेट्स कम टू द बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम. So this was started in 1970 under the Department of Social Welfare through voluntary organizations. ये जो voluntary organizations थी उन्होंने ये start किया था. These organizations were receiving the grants and were responsible for running of this program. इसका कौन benefit, कौन किसको मिलता था, who was the beneficiary group? They were preschool children of 3 to 5 years of age. And services क्या थी, 300 किलो कैलोरीज एंड 10 ग्राम प्रोटीन फॉर 270 डेज इन अ ईयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड विद प्री स्कूल एजुकेशन. तो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या हुआ, बच्चों को एजुकेशन, 300 कैलोरीज का फूड जिसमें 10 ग्राम्स प्रोटीन उनको मिले, कितने दिनों तक, 270 दिन इन अ ईयर. एंड दीज आर बींग अब खत्म हो रहे बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में तीन थे, पहला मैंने बताया बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, दूसरा हम आएंगे स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे और थर्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम. तो बालवाड़ी न्यूट्रिशन हो गया, अब हम आते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे. इट वॉज स्टार्टेड इन 1970 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर. ऑपरेशन कहाँ होता था, अर्बन स्लम्स, जो शहरी स्लम्स होते हैं, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड रूरल एरियाज में ये ऑपरेट होता था. मिनिमम नीडेड प्रोग्राम था ये एंड एम था इसका टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस इन द टारगेटेड ग्रुप. कौन बेनिफिट पाता था, हु वाज द बेनिफिशियरी ग्रुप, इट वाज चिल्ड्रन बिलो 6 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. सो स्पेशल न्यूट्रिशन वॉज फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. सर्विसेज क्या थी इसकी, प्री स्कूल चिल्ड्रन को वही 300 किलो कैलोरीज एंड 10 टू 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को एटलीस्ट 500 किलो कैलोरीज एंड 25 ग्राम प्रोटीन मिलता था. टोटल 300 दिन साल के इनको ये मिलता था. फंड फॉर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ ICDS प्रोग्राम वॉज शेयर्ड विद द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोग्राम इज ग्रेजुअली बींग मर्ज्ड विद द ICDS. तो ये भी हो रहा है और बालवाड़ी भी मर्ज हो रहा है ICDS के साथ. तो हम अब जानते हैं कि ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. इट वॉज इनिशिएटेड October 2nd, 1975 in 33
ब्लॉक्स अंडर द फिफ्थ ईयर प्लान अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर इन सक्सेशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल चिल्ड्रंस पॉलिसी इट वॉज देयर विच वॉज हेल्ड इन 1974 उसी के बाद जो है ये ICDS का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इस ये क्या था इट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो कि इम्प्लीमेंट होती थी कहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करती थी इसका रैशनेल क्या था इसका काम क्या था इसके अंदर क्या क्या काम आता था रूटीन मटर्नल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज माँ और बच्चे की हेल्थ की सर्विसेज होती थी एंड रीचिंग आउट टू द टारगेट पॉपुलेशन कि क्या क्या टारगेट पॉपुलेशन इनका क्या था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ MCH जिसको कहते हैं न्यूट्रिशनल कंपोनेंट वॉज नॉट कवर्ड बाई दीज हेल्थ सर्विसेज सो इसमें सिर्फ मटर्नल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को देखा जाता था बट न्यूट्रिशनल कंपोनेंट नहीं देखा जाता था ऑब्जेक्टिव्स क्या थे Lay the foundation for proper psychological, physical, and social development of the child. Improve nutritional and health status of children. Reduce incidence of mortality. बीमारी, morbidity. बीमारी मतलब morbidity और mortality मतलब death. Malnutrition मतलब undernutrition and school dropout. School से जो बच्चे छूट के निकल आते हैं, बाहर नहीं जाते हैं school, उसको कम करना. और क्या था इसका ऑब्जेक्टिव इनहेंस द केपेबिलिटी ऑफ द मदर एंड द फैमिली एंड अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट्स इसके बेनिफिशरीज क्या थे जैसे मैंने बोला MCH मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सो चिल्ड्रन अंडर 6 इयर्स ऑफ एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दैट इज 15 साल से 44 ईयर्स तक की फीमेल्स एंड अडोलेसेंट गर्ल्स भी इसकी बेनिफिशरी में आती थी सर्विसेज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता था नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन मिलता था इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप्स रेफरल सर्विसेज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन इसका सर्विसेज में मिलता था ठीक है सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक और रूरल एरियाज में था ट्राइबल ब्लॉक्स में था दैट इज ट्राइबल एरियाज और वार्ड्स या स्लम्स में था जो कि अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं कैसा था इसका सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेंट्रल लेवल पे काम करता था उसके बाद ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर आता था जो कि स्टेट लेवल पे आता था सबसे पहले सेंट्रल लेवल फिर उसके बाद आया स्टेट लेवल दैट वाज रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर फिर यहां से आ जाता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो है वर्क करता था करीबन 100 विलेजेस में उसके बाद जो है ये CDPOs का होता था उसके बाद जो है मेडिकल ऑफिसर्स फिर मुख्य सेविकाएं मतलब कि मुख्य सेविकाएं आपकी आंगनवाड़ी सर्विसेज होती थी आंगनवाड़ी सेंटर्स होते थे ठीक है और मल्टीपर्पस वर्कर्स उसके बाद आता था और फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स उसके नीचे आ जाता था सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंट्रल लेवल देन इट कम्स टू सोशल वेलफेयर स्टेट लेवल देन इट कम्स टू CDPO दैट इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल देन इट कम्स टू द मेडिकल ऑफिसर्स दैट इज 20 to 25 विलेजेस देन मुख्य सेविका दैट इज 4 to 5 नंबर्स फीमेल वर्कर्स होते थे ये मल्टीपर्पज वर्कर्स होते थे मुख्य सेविका के बाद जो आता था एंड लास्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स विच इज 5 से 6 आंगनवाड़ी सेंटर्स होते थे स्कीम के अंदर इनका क्या होता था सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दैट इज द सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग देखा जाता था प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी वो दिया जाता था एंड कंट्रोल न्यूट्रिशनल अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एक्टिविटीज टारगेट ग्रुप वॉज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कम्युनिटी देन क्या करते थे दे वर प्रोवाइडेड विद सप्लीमेंट्री फीडिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर 300 डेज इन अ ईयर सप्लीमेंट्री फीडिंग मतलब साथ में वो खान पान देते थे उनको वेट फॉर एज ग्रोथ चार्ट्स मेंटेन किए जाते थे कि अगर ये एज है तो इतना वेट होना चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज एंड सीवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन वर गिवन स्पेशल सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड रेफर टू द मेडिकल सर्विसेज ऑल्सो
6 to 72 months के जो बच्चे होते थे उनको करीब 300 कैलोरीज मिलती थी, 8 to 10 ग्राम्स प्रोटीन मिलता था और 500 कैलोरीज के करीब मिलता था। जब हम ये 500 कैलोरीज कब हुआ, ये रिवाइज हुआ 2009 में, फरवरी में 2009 के बाद से उनका 300 से 500 किलो कैलोरीज पे आ गया। प्रोटीन 12 to 15 ग्राम्स पे आ गया, जो कि 8 से 10 था पहले। जब सीवियरली मालनरिश बच्चा हो अगर 6 से 72 महीने का, सो ही यूज नाउ ही गेट्स 800 कैलोरीज एंड 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड फॉर अ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल उसको 600 कैलोरीज मिलती है फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 2009। शी गेट्स नाउ 600 किलो कैलोरीज एंड 18 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। दैट इज बच्चे को कितना मिला, 500 किलो कैलोरीज एंड 20 to 15 ग्राम्स प्रोटीन। इफ द चाइल्ड इज सीवियरली मालनरिश देन 800 इफ द चाइल्ड इज सीवियरली मालनरिश्ड, ये उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट हो गई। प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या हुई, अगर बच्चा नॉर्मल है तो 12 to 15 ग्राम्स प्रोटीन मिला और सीवियरली मालनरिश्ड है तो 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है पर डे। ठीक है, ये 2009 से। और अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल है सो शी इज गेटिंग 600 कैलोरीज एंड 18 टू 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे।